अम्मा इमोशनल हो जाती है। इमोशनल मत हुआ करो आप। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो गाइज, अभी अभी जस्ट उठाऊँ मैं, और आज हमारा लास्ट डे है गांव में, कल जा रहे वापस। तो आज जितना घूमना है घूमना पड़ेगा। हम दो काम के लिए आए थे बेसिकली, एक तो मंदिर की पूजा करनी थी और एक खेत में काम करना था, रोपाई करनी थी। दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, अब जाने वापस हल्द्वानी, बिकॉज वहाँ जाके भी काम है ना। तो मैं तो उठ गया, अभी पीयूष नहीं उठा, पीयूष को उठाना है। तो हाँ, फिर आज घूमेंगे जितना घूमना है, फिर कल वापस हल्द्वानी। तो चलो उठते हैं, पीयूष को उठाता हूँ पहले। तो पीयूष सो रहा है इस वाले रूम में। पीयूष जी उठो, सुबह हो गई। तो पीयूष होता है रात को यहाँ पे इस वाले रूम में, यहाँ मंदिर भी है। तो फिलहाल अब ब्रेकफास्ट करते हैं, आज बने आलू का पराठा। तो भी गाइस, फिलहाल नहा धो के रेडी हो गए और अब फिलहाल चलते हैं धान कुटवाने के लिए चक्की पे। तो ये धान हम हल्द्वानी लेके जाएंगे ना बेटा। अरे ले जा लूंगा मैं, सिर पे रखो ना। अरे ले जाऊंगा मैं सिर पे रखो। सर आपकी मस्ती नहीं है। कम ऑन, बहुत होता है अभी। गए, पता है कितना भारी है? 40 किलो। अब सीढ़ियों से लाना है, चलो भाई बहुत भारी है। हेलो, तो गाड़ी में धान डाल दिए, अब चलते हैं। चलो, तो भी गाइस प्लान में चेंज है, हम जा रहे हैं हल्द्वानी आज ही, क्योंकि क्या ही करेंगे फिर यहाँ पे। चाचा चाची को लेके हल्द्वानी चलते हैं। तो ये सारा सामान पैक करते हैं और चलते हैं। तो गाइस मेरी पैकिंग तो डन, तीनों मेरे बैग पैक हैं। तो गाइस हम तो जा रहे हैं, अब अम्मा अकेली हो जाएगी यहाँ पे। आप कब आओगे फिर? मैं अक्टूबर नवम्बर के बाद। अभी जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर, 4 महीने। चार महीने कह रहे हो? 4 महीने बाद कह रहे हो आप? यहाँ का मौसम सही है ना? यहाँ पे देखो ठंडा ठंडा रहता है, हल्द्वानी में तो बहुत गर्मी हो रही है, तो वहाँ अम्मा के लिए ठीक भी नहीं है। तो अम्मा ठीक है यहाँ पे, मस्त खेत में काम करते करते बारिश आ सकती है। बादल देखो कितने खतरनाक बादल हो रहे हैं आज। वैसे आज हमारा प्लान था यहाँ रुकने का, फिर सोचा यार क्या ही करेंगे, बिकॉज हमको जाना है, पीयूष की छुट्टियाँ भी बहुत कम रहेगी। हमको 3 जगह जाना है, दिल्ली, चंडीगढ़, जलंधर, 3 जगह जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो हाँ, एक दिन बहुत मैटर करता है उसके लिए। तो सोच रहे कि चले जाते हैं आज हल्द्वानी, हल्द्वानी पहुँच जाएंगे, फिर जल्दी से प्लान करेंगे दिल्ली, चंडीगढ़, जलंधर का, और फिर वहाँ भी जाना है। तो काफ़ी मुश्किल होता है हमेशा यहाँ से जाना, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही, क्या करें, काम करना है। तो मैंने तो अपने बैग ले लिए हैं, अभी हमको धान लेने भी जाना है। तो अपने चावल निकल गए। तो भाई चावल तो मिल गए, अब बस यही खाएंगे, हमारे खेत के चावल हैं ये। तो हाँ, कुटवा लिए, अब चलते हैं। 12:30 बज चुके हैं, तो हम पहुँचेंगे शाम को 6 या 7 बजे तक पहुँचेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, पहुँच जाएंगे आज में ना। मेरी बात मानना, ज़्यादा खेत में काम मत करना, ठीक है? थोड़ा थोड़ा करना, जितना आपसे कराते हैं, अभी आपकी उतनी एज नहीं है, ठीक है? अम्मा इमोशनल हो जाती है। इमोशनल मत हुआ करो आप, इमोशनल मत हो। मैं तो कहता हूँ चलो जाएंगे, तो रोन लग जाएगी अम्मा। चलूंगी, जा तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी भी खेत। अजीब ही दुविधा है, अम्मा रोने लग जाती है, अम्मा को आना भी नहीं है, अम्मा को खेत में भी काम करना है, अम्मा को हमारे साथ में भी रहना है। अम्मा कैसे होगा सब कुछ? सब कुछ नहीं हो सकता ना। जैसे पापा जी मुझे बोलते हैं, बोलना पापा जी को, माय आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू माय बॉय। बाबू आप बोलना एक बार, क्या? अच्छा पापा जी को बोलो, आई एम प्राउड ऑफ यू माय बॉय, आई एम प्राउड ऑफ यू माय बॉय, माय बॉय। हाँ पापा जी बोल दिया, थैंक यू थैंक यू। हम आपकी बहुत याद आएगी, घर की बहुत याद आएगी। जब याद आती है फिर मेरे को नहीं आती है तुम्हारी याद। आपको नहीं आती? नहीं आती। खुद ही कह रहे हो नहीं आती। आती है नहीं आती, ये आती है तो जब आ जाते, आती है तो तुमको आती है तो मेरे को भी आती है, आती है तुम तो अपने काम में बिजी रहती हो, मेरे को हर समय तुम्हारी याद आती है। तो भी आस पड़ोस वालों को सबको बाय बोलते हैं और चलते हैं, ठीक है? अम्मा प्रणाम, बाय। तो भी सारा सामान डालते हैं गाड़ी में। ये क्या है? आलू। आलू सब लेके जा रहे हो क्या? तो सामान सारा पैक कर दिया है। मूली भी रख ली? मूली है, वो लहसुन है। लहसुन भी? भाई सब रख लिया, मूली, लहसुन, आलू। चलो अब इसको बंद कर दिया, बैठ गाड़ी में। प्रणाम अम्मा, प्रणाम। रोते नहीं है, रोते नहीं है, ठीक है बाबू, प्रणाम प्रणाम। सभी के सभी बहुत इमोशनल हो गए गाइस, सभी के सभी बहुत। तो फाइनली चाय चाची को बिठा लिया है, चाय चाची को तो ले ही चलते हैं। तो भी गाइस निकल पड़े हैं, आए तो पापा जी, मैं और पीयूष थे, और चाचा चाची को भी लेके जा रहे हैं हम। अम्मा बाबू अकेले घर में, नहीं अकेले तो नहीं है, साथ में है, लेकिन जाते जाते इमोशनल हो गए थे, इवन बाबू जी भी इमोशनल हो गए, बाबू भी इमोशनल हो गए थे। चलो फिलहाल चलते हैं, 1 बज रहे हैं अभी, तो हम पहुंचेंगे अराउंड 7 बजे तक, 7 बजे तक हल्द्वानी पहुंचेंगे। इतने दिन हमने साहिल, कुनाली, ओरियो, मम्मी सबको मिस किया,
तो अब जा रहे हैं उनके पास। अब अम्मा बाबू को मिस करेंगे, यही है विधि का विधान। कभी किसी को मिस करते हैं, कभी किसी को मिस करते हैं, कभी किसी को मिस करते हैं, लेकिन अच्छा लगता है ऐसे ना। किसको मिस करते हो? किसको मिस करते हो? मम्मी को, ओरियो को। ठीक है ऐसे अच्छा लगता है, आते जाते रहो अपने घर में, आते रहते रहो। ओ पापा जी ने तू चश्मा डाल लिया, फिर स्वैग वाला चश्मा। ओ भाई गाइस रुके हैं कुछ खाने के लिए, तो यहाँ पे मिलता है मस्त पहाड़ी खाना, तो पहाड़ी खाना खाएंगे मस्त। तो हम खा रहे हैं भटके डुबके और चावल। तो अपनी थाली तो आ गई है, इसके अंदर राजमा भी है, कड़ी भी है, डुबके भी हैं, चावल भी हैं और सैलेड भी है, तो मस्त खाते हैं। तो यह है प्योर पहाड़ी खाना। तो चाची जी, चाचा जी और पापा जी का भी आ चुका है। तो गाइस मैंने तो खा लिया, सबसे पहले मैंने ही खाया। बाय 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 बाय, इसको भी ले जाओ अपने साथ, ले जाओ अपने साथ, ले जाओ। भाई जो आपका खाने का मन कर रहा हो और आपको वही खाने को मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है ना, तो इतना सुकून मिल रहा है पेट को, इतना अच्छा लग रहा है। तो चलो अब चलते हैं नॉन स्टॉप सीधा हल्द्वानी। तो गाइस हम इतनी मस्त वादियों में चल रहे हैं और पीयूष ने यहाँ पे सड़ा के रख दिया पूरी गाड़ी को। लगना चाहिए लगे ना, तो लगे ना, बच गई बच गई बच गई बच गई बच गई, निकल गई निकल गई। गाइस आज तो खतरनाक वाला फंसे जाम में, देखो गाड़ी बंद कर दिया मैंने जाम में। अच्छा इसलिए जाम लगा हुआ, देखो यहाँ पे ट्रक पलटा हुआ है, बहुत लंबा जाम लगा हुआ है, देखो पता नहीं आगे कहाँ तक लगा हुआ है। हमारी गाड़ी तो ये खड़ी। हाय हेलो, शी इज द बिगेस्ट फ्रेंड, आई वांटेड टू मीट हिम एक्चुअली, मी मिस हिम। इतना जाम लगा है, यहाँ मीटअप चल रहा है मेरा, सब्सक्राइबर मिलने के लिए आ रहे हैं मुझसे यही गाड़ी से उतर उतर के। भाई खतरनाक जाम लगा हुआ है, पता नहीं क्या दिक्कत है। अरे चल गई चल गई चल गई चल गई चल गई चल गई चल गई। गाइस फिर से जाम लग गया यार, और फिर से मीटअप हो गया। हेलो हाय, अच्छा थैंक यू। खुल गया खुल गया जाम, खुल गया जाम, खुल गया। चलो 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 भाई, आज का दिन ही खराब है, जाम ही जाम लगे जा रहा है, बस फिर जाम लग गया। और यहाँ मस्त मीटअप चल रहा है हमारा। हाय हाय, आई गए फैन है हम आपके, बहुत बड़े, मैं छोटी बेटी भी बहुत बड़ी फैन है आपसे। एक मिनट, तो मस्त मीटअप चल रहा है। बाय बाय, मीटअप चल रहा है। फोन नंबर नहीं देखता, सॉरी। आपका नाम क्या है? कुणाल। अब ब्लॉग में आओगे? ठीक है ओके बाय, ध्यान से जाना। भाई सभी फुल फायदा उठा रहे हैं जाम का। तो फाइनली गाइस हल्द्वानी पहुंच चुके हैं, इतना अच्छा लग रहा है ना खुली खुली सड़कें देख के। तो अभी घर पहुंचने वाले हैं, मम्मी जी का फोन आया कि ओरियो के लिए पनीर ले आना। लो पनीर तो ले लिया है, फाइनली पहुंच गई घर। कुनाली तो बाहर ही खड़ा है। तो फाइनली घर पहुंच चुके हैं और हमारा ओरियो, ओरियो कह रहा हूँ कुनाली, ओरियो कुनाली कह रहा हूँ, कुनाली को ओरियो कह रहा था, ओरियो आया तो मैंने बोला कुनाली, कुनाली को कह रहा हूँ ओरियो। जाम में खड़े खड़े मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं कुनाली को ओरियो कह रहा हूँ, ओरियो कुनाली कह रहा हूँ। नहीं छोड़ दो, हमें लोग कुछ लाए हो। हाँ आपके लिए आलू लाया हूँ, आपके लिए चावल लाया हूँ, आपके लिए मूली लाया हूँ, हमारे गांव खेत की मूली लाया हूँ आपके लिए। खेत की मूली? हाँ खेत की मूली खाओगे? और आपके लिए लहसुन भी लाया हूँ मैं, हमारे खेत का लहसुन, हमारे खेत का। लहसुन थोड़ी खाते हैं। हमारे खेत के आलू लाया हूँ, आलू खाओगे? लहसुन थोड़ी खाते हैं। आलू खाओगे? आलू हमारे खेत के आलू लाया हूँ, चावल लाया हूँ हमारे खेत के। अरे कच्चे थोड़ी खाते हैं। बना के खाना, आलू खाना बना के, फिर मोटे हो जाओगे आप, फिर मोटे हो जाओगे। ठीक है पहले बताओ आप इतने छोटे क्यों हो? क्योंकि मैं कम खाता हूँ। ज्यादा क्यों नहीं खाते हो फिर? मैं मन नहीं होता। मन नहीं होता? कैसे हो? बढ़िया ठीक। और भाई क्या हाल चाल? बढ़िया। कैसे हो? बढ़िया ठीक है। बैठ ठीक है, इसको रखो ना ऊपर। अरे वो इसको ऐसे रखो, इसको ऐसे। थैंक यू। निकलवा देगा इसको? हाँ निकलवा देते हैं यार, पहले एक्सरे कराना पड़ेगा, व्हीलचेयर बैठना, पहले एक्सरे करा के देखना पड़ेगा जुड़ा है नहीं जुड़ा। तुझे क्या हो गया? ओलू मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा। ओलू भाई कितना अच्छा लगता है अपना रूम देख के।
फाइनली पहुंच गए, पूरे दो घंटे जाम में फंसे रहे भाई, जो हालत ख़राब हो गई हमारी तो, मतलब मीटअप हो गया था मस्त, जो कि आपने देखा थोड़ा बहुत मैंने आपको दिखाया, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा। पहाड़ पे ही फंसे हुए थे, पहाड़ पे तो अच्छा ही लगता है, मतलब गर्मी नहीं लगी। तो मम्मी के हाथ का मस्त खाना खाएंगे अब घर का, बाहर तो कुछ नहीं खाया था अभी। मैं तो आते ही एडिटिंग पे बैठ गया, खाना बनेगा तो मम्मी जी बुला लेंगे फिर खा लेंगे। आ जाओ उल्लू। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ कुनाली, देख लो कितना प्यार करता है, आप करते हो मुझसे इतना प्यार? कुनाली ने कैमरा पकड़ लिया, इतना भारी कैमरा हिला रहे हो, इतना मत हिलाओ। तो हे गाइस, न्यू ब्लॉग तो अभी सौदा आ चुके हैं, तो अभी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी सौदा तो यहाँ पे उरे के साथ खेल रहे हैं, तो अभी हम कल को वहाँ जाएंगे गेम खेलने। हाँ गेम खेलने, सीधा गेम खेलने, देखना गेमर फ्लीट के घर जाना है, वहाँ खेलूंगा। कहाँ जाना है? गेमर फ्लीट के घर जाना है। वाह, कैमरा ऑन है क्या? हाँ, देखता कैमरा। भाई ओ मेरे भाई, जिंदगी मेरी तुझ में। अभी खाने के लिए बुलावा आ गया, तो फिलहाल डिनर करते हैं, दाल रोटी सब्जी। गाइज आम सारे खत्म हो गए, देखो दो तीन आम पड़े हैं, तो कल लेके आएंगे, कल तोड़ के लाएंगे आम बहुत सारे। चलो एक तो मिल गया मुझे, एक तो खा लेता हूँ। तो भी अपना दूध भी आ गया, थैंक यू मम्मी दूध के लिए। तो फिलहाल मैं एडिटिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। आपकी मम्मी आप आ गए, आपको कैसा लग रहा है? गंदा लग रहा है पापा। गंदा लग रहा है? हाँ। जैसे आ रहे हो वैसे मार रहे हैं। मार रहे? खाली परिसर वो कर रहे हैं हमको, ये खाली बोलो। आपको अच्छा नहीं लग रहा? पापा जी को वहीं रहने दो, हमने कम मारा था, वो झूठ की बोल रहा है। आते ही तो मारा, यही रखना, पापा जी को भेज देना। क्यों भेज देना? तो फाइनली एडिटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, फिलहाल अब मैं सोऊंगा, इस व्लॉग करता हूँ एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पे नए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उल्लू क्या हुआ क्या हुआ? ओ भाई ओ चश्मा फेंक दिया मेरा, मेरे चश्मा फेंक दिया भाई कुनाली ने, ओरियो ने मेरा चश्मा फेंक दिया।